हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट पटेटो चिप्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा ही इजी है। और पटेटो चिप्स ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। मैं इसे तोड़कर आपको दिखा रही हूँ गाइस, आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चिप्स कितना कुरकुरा हुआ है और कितना क्रिस्पी टाइप का हुआ है। तो मैंने एक चिप्स लिया और मैं आपको इसे तोड़कर दिखा रही हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। ये देखिए, बिल्कुल कुरकुरा हुआ है, क्रिस्पी हुआ है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूँ नगमा और आप लोगों का स्वागत है इनके नगमा ब्लॉग में। तो सबसे पहले वो जो बड़ी वाली आलू होती है ना, मैंने पुराने आलू को ले लिया है बड़े बड़े साइज़ में और सारे छिलके को मैंने हटा कर इसे मैंने पानी में रख दिया है, ताकि जो आलू है ना वो काला ना हो, इसलिए मैंने पानी में ही रख दिया है इसके सारे छिलके को हटा कर। और इस तरीके से मैंने सिर्फ तीन आलू लिया है। आप चाहो तो खूब सारे आलू ले सकते हो और इसके चिप्स बना सकते हो। फिर ये जो कटर आती है ना, इसे हम पतले पतले स्लाइसों में काट लेंगे। आप चाहो तो छुरी से भी कर सकते हो, लेकिन वो उतना बारीक नहीं हो पाएगा जितना इसमें बारीक होता है। और प्लीज़ आप लोग ना आहिस्ता से करना, ताकि हाथ में ना लगे। और इस तरीके से हम सारे पटेटो को, सारे आलू को पतले पतले काट लेंगे। और सारे आलू को इस तरीके से हम काट लेंगे। आप लोग प्लीज़ आहिस्ता से करना, धीरे धीरे करना, वरना हाथ में लग सकता है। और जो आलू का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, उसे हटा ही दिया करना, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है और उसे जब काटते हैं ना तो लगता है हाथ में, तो इसलिए उसे हटा ही देना। और इस तरीके से हम दो बार पानी में आलू को धोकर एक साफ़ कपड़े पर, कॉटन के कपड़े पर मैंने एक एक आलू को सजा दिया। और इस तरीके से मैंने जितने आलू काटे थे वो सब कपड़े में रख कर फैन के नीचे 10 मिनट तक रख देंगे। आप चाहे तो खुले जगह पे रख सकते हो, जहाँ पे बहुत ही हवा आ रही है, अच्छी हवा आ रही है, तो वहाँ पे 10 मिनट तक इस तरीके से रख दो और इसे ड्राई होने तक रख देना है। अच्छा, खूब अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, तब इसे कुक करना है। मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाया और यकीन कीजिए बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही क्रिस्पी हुआ था। आप लोग भी इस तरीके से बनाओगे ना, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके चिप्स कुरकुरे बनेंगे। और इस तरीके से मैंने सारे आलू को सजा दिया है कपड़े में और फ़ैन के नीचे मैंने रख दिया। ये देखिए, खूब अच्छे से ड्राई हो गया है, एकदम पानी नहीं है आलू में। फिर भी मैंने इस तरीके से पोंछ दिया है, अगर थोड़ा सा भी हो तो अच्छे से पोंछ ले। मैंने सारे आलू को हल्के हल्के हाथों से पोंछ लिया, ये देखिए। इस तरीके से आप बहुत सारे चिप्स बनाकर स्टोर करके रख सकते हो और एक महीने तक आलू के चिप्स की मज़ा ले सकते हो। फिर क्या करना है, एक पैन में सरसों के अलावा कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरसों का ऑयल मत यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को मीडियम आंच पर गरम करके सारे आलू के चिप्स को डालना है। ये देखिए, मैंने एक एक आलू को इसके अंदर डाल दिया है। आप लोग धीरे से डालना, आहिस्ता से डालना, ताकि तेल का छींटा खुद ना पड़े, खुद के ऊपर ना पड़े। और इस तरीके से हम मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं, वरना जो आलू की चिप्स होती है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, हार्ड नहीं रहेगी। तो इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है एक एक आलू को। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, छन 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 आवाज़ हो रही है। और जब इसकी आवाज़ थोड़ी बंद हो जाएगी ना, तो समझना कि ये अच्छे से कुक हो गया है। और इसे अलट पलट करके हम सारे आलू के चिप्स को फ्राई कर लेंगे। मेरी आलू की चिप्स आधी फ्राई हो गई है और आधी बची हुई है। और देखिए, मैं इसे फिर तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये देखिए, आवाज़ सुनिए इसकी। इस तरीके से हम सारे आलू के चिप्स को रेडी कर लेंगे। सारे चिप्स को मैंने एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। आप चाहो तो ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, और फिर इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देना, ताकि आलू का चिप्स खाने में बहुत ही मज़ा आए। ये देखिए गाइस, ये रेडी है। मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। काली मिर्च इसमें डाल देना है मैंने, ये देखिए मैंने डाल दिया। और ये हम लोगों का पोटैटो चिप्स रेडी है खाने के लिए।
बहुत ही अच्छा बना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।